वेलकम यू ऑल टू लॉसिकूम सो इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इस बिल को टेबल किया गया लोकसभा में हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अजय मिश्रा टेनी के द्वारा 28 मार्च को इस बिल को लोकसभा में टेबल किया जाता है और यहाँ पे इस बिल को हम बात करेंगे तीन अलग अलग हिस्सों में सबसे पहले हम इस बिल के इंट्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस की बात करेंगे दूसरे पार्ट में हम इसमें एन का क्या रोल है क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एन सी आर बी को है और इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद में अपोजिशन ने क्या कहाँ इस बिल के बारे में और इस बिल से रिलेटेड क्या इश्यूज़ है उनको हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट हिस्से पे आते हैं पहले हिस्से पे आते हैं इस बिल के इंट्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस के बारे में तो ये जो बिल है ये बिल ऑथराइज करेगा हमारी एजेंसी को कि वो बायोमेट्रिक डेटा जो है वो किसी कन्विक्ट का या ऐसे पर्सन का जो कि अरेस्टेड है या डिटेन्ड है उसका बायोमेट्रिक डेटा ले सकता है अब ये बायोमेट्रिक डेटा अलोंग विथ फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स लिया जा सकेगा इसका जो मेन उद्देश्य होगा पर्पस होगा ये आइडेंटिफिकेशन और प्रूफ के लिए ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 ये एक कानून था इसी कानून को इसी लॉ को रिप्लेस करेगा क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 तो यहाँ पर अगर हम देखें पुराने लॉ में जो कि अभी भी एग्जिस्टेंट एग्जिस्टेंस एक, में है तो ये ऑथराइज करता था फिंगर और फुटप्रिंट को लेने के लिए लेकिन लिमिटेड कैटेगरी ऑफ कन्विक्स और अंडर ट्रायल्स का ही ये डेटा कलेक्ट किया जा सकता था जिसमें उनके फिंगर और फुटप्रिंट्स कलेक्ट किए जाते थे और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि मजिस्ट्रेट से इसके ऑर्डर लेने पहले ज़रूरी होते थे अब ये जो नया बिल रखा गया है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू ये ऑथोराइज करेंगे कि बायोमेट्रिक्स लिए जा सके अब इन बायोमेट्रिक्स में फिंगर पाम फुटप्रिंट्स इनके इंप्रेशन फिंगर पॉम्प फुट प्रिंट्स की इम्प्रेशन आईरिस और रेटिना का स्कैन सिग्नेचर हैंड राइटिंग फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लिए जाएंगे उन पर्सनस के जो कि अरेस्टेड या डिटेनड हैं अब यहाँ पर अगर कोई आरोपी है कोई एक्यूज है वो रेजिस्टेंस दिखाता है या वो रिफ्यूज करता है अपनी डिटेल्स देने के लिए तो यहाँ पर उस पर्सन को सेक्शन 186 आईपीसी के अंतर्गत चार्ज किया जाएगा 186 एटी सिक्स ऑफ आई क्या कहता है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो आप पर यह सेक्शन लगेगा तो यहाँ पर किसी भी पर्सन को जो कि डिटेन्ड है अरेस्टेड है उसे अपना यहाँ पर डेटा देना जरूरी होगा और वो अगर नहीं देता है रिफ्यूज करता है तो उस पर एक और सेक्शन लगाया जाएगा यहाँ पर वो पर्सन सब शामिल है जो कि यहाँ पर कन्विक्टेड है जो यहाँ पे एक्यूज है या जिन्हें यहाँ पे डिटेन किया गया है अंडर सम नेशनल सिक्योरिटी लॉ इसके अलावा गवर्नमेंट का क्या कहना है इस पर गवर्नमेंट का क्या क्लेम है गवर्नमेंट ने ये कहा जिस प्रकार से यहाँ पर अजय मिश्रा टेनी ने ये बिल रखा तो इनका कहना था कि जो पुराना लॉ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट नाइनटीन ये इसका एक बेटर वर्जन है कि अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन रेट्स बढ़ सके इसको देखते हुए ये नया बिल लाया गया है इसके अलावा एक और यहाँ पर सरकार के द्वारा जो क्लेम किया गया वो ये था कि बायोमेट्रिक डेटा अगर अंडर ट्रायल्स और कन्विक्स का कलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ का उदाहरण दिया गया कि एडवांस्ड कंट्रीज़ में बायोमेट्रिक डेटा जब वो कलेक्ट करते हैं तो यहाँ से उनको इन्वेस्टिगेशन और एक क्रेडिटेबल और रिलायबल रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसी चीज़ को यहाँ पर प्रस्तुत करा इस बिल के इस बिल के एक जस्टिफिकेशन के रूप में कि अगर हमारे पास बायोमेट्रिक डेटा होगा तो हम अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे कन्विक्शन रेट्स बढ़ जाएंगे और जो रिज़ल्ट है वो और क्रेडिटेबल और यहाँ पर रिलायबल होंगे मतलब उन पर ज़्यादा विश्वास जताया जा सकेगा उसके अलावा दूसरे पार्ट पर आते हैं जो कि एन से संबंध है तो यहाँ पर जो डेटा है ये इस डेटा कलेक्ट किया जाएगा सरकारी एजेंसियों के द्वारा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ जो है हमारी पुलिस हो गई प्रिजनल अथॉरिटी प्रिजन अथॉरिटीज़ जो है ये डेटा कलेक्ट कर पाएंगी लेकिन ये डेटा कलेक्ट करके इसको मेंटेन करने की जो रिस्पांसिबिलिटी रहेगी ये एनसीआरबी की रहेंगी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तो कलेक्ट करना इसे स्टोर करना इसे प्रिजर्व करना ये भी एन के द्वारा किया जाएगा साथ ही इस बायोमेट्रिक डेटा को अगर हम बिल में देखें तो रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट्स के रूप में वर्ड यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है इस डेटा कलेक्ट करने को तो रिकॉर्ड में रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट जो है इसे कलेक्ट स्टोर प्रिजर्व करने का और साथ ही इसे शेयर डिसेमिनेशन इसका डिस्ट्रक्शन और इसका डिस्पोजल इन रिकॉर्ड्स करने का भी जो पावर इम्पावर करे जो पावर रहेगी वो ये बिल इम्पावर करता है न एन को मतलब एन के पास में इन सारी चीज़ों का राइट रहेगा उसके अलावा एन जो है ये डेटा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ में शेयर कर पाएंगी उसके अलावा अगर हम देखें तो एन सी आर बी को ये डेटा सेवेंटी फाइव ईयर्स के लिए एन सी आर बी इसे प्रिजर्व कर सकती है और जब इसकी डिस्ट्रक्शन की बात आएंगी तो अगर कोई पर्सन यहाँ पर रिलीज़ हो जाता है डिस्चार्ज हो जाता है या एक्विट हो जाता है कोर्ट के द्वारा उस कंडीशन में जो रिकॉर्ड कलेक्ट किए गए हैं जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ये रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया जाएगा लेकिन इसके लिए कोर्ट या मजिस्ट्रेट का यहाँ पे पहले परमिशन लेना होगा कोर्ट या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लगेगा इस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए अब यहाँ पे थर्ड पार्ट पे आते हैं कि अपोजिशन का क्या बोलना है और इस बिल को लेकर क्या इश्यूज़ हैं मतलब यहां पर बिल को क्यों अपोज किया जा रहा है उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे तो यहां पे कांग्रेस के लीडर मनीष तिवारी ने इसका सबसे पहला विरोध करते हुए कहा कि बिल जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट right का वॉयलेशन है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इस बिल को बताया किस तरीके से वो जान लेते हैं तो बिल सबसे पहले अगर देखें तो अपोजिशन का ये बोलना है कि राइट टू तो प्रिवेसी जो कि हमारे आर्टिकल 21 में हमको मिलता है पुट्टा स्वामी जजमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करा है तो इसी फंडामेंटल राइट राइट टू तो प्रिवेसी का ये उल्लंघन है ये वॉयलेशन है उसके अलावा आर्टिकल ट्वेंटी सब क्लॉज थ्री जो है ये कहता है नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंड हिमसेल्फ मतलब अगर किसी पर्सन पर कोई चार्ज लगाया गया है कोई एक्यूज है उस पर कोई यहाँ पे आरोप लगाया गया है तो हम उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो खुद ही के केस में खुद ही के अगेंस्ट यहाँ पर विटनेस बने या गवाही दे तो यहाँ पर हम जब उसे कंपेल कर रहे हैं इस बिल के अंतर्गत तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 20 सब प्लस 3 का उल्लंघन है उसके अलावा अगर वो रियूज करता है तो उस पे एक और चार्ज और लग जाता है इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग जजमेंट्स दिए हैं भले ही फिर वो ए के गोपालन से शुरू होकर खड़क सिंह चार्ल्स शोब्राज शीला से प्रमोद कुमार सक्सेना इन सारे ही केसेस में स के राइट right की बात की गई है कि इनके पास में भी फंडामेंटल राइट्स होता है तो यहाँ पर जो मेजरमेंट कलेक्ट करने का जो डेटा कलेक्ट करने का प्रोविजन इस बिल में दिया गया है वो कहीं ना कहीं इन सारे ही जजमेंट्स के अगेंस्ट में जाता है तो देखने वाली यहाँ पर बात रहेंगे कि क्या ये बिल पास हो जाने के बाद में क्या चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेता है आपका क्या ओपिनियन है इस बिल के बारे में टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है ये बिल अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे अलग अलग समाचारों में अलग अलग आर्टिकल्स में इसकी चर्चा हो रही है आपका क्या ओपिनियन है इस बिल के बारे में ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू स्टेट्यूड टू लॉ